नमस्ते, मेरा नाम परमिता सिंह है और मैं प्रयास एनजीओ संस्था से पिछले 14 साल से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी, आफ्टर डेथ माय पेरेंट्स, मैं यहीं पर लाई गई थी एज अ चाइल्ड लाइन के थ्रू। उसके बाद से ही मैंने अपनी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट करी, 12th पास करी गवर्नमेंट स्कूल से। मैंने यहाँ पर कुछ वोकेशनल के कोर्सेज़ जो चलते हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करे हैं, जैसे ब्यूटी कल्चर, टाइपिंग, स्टेनो, कंप्यूटर। और उसके बाद आफ्टर 18 के बाद मेरे को यहाँ से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था। शिफ्ट मीन्स मेरे जो इन लॉस वगैरह थे उन लोगों के पास मुझे भेज दिया गया था। मेरा मानना यह है कि आफ्टर केयर जो है, आफ्टर 18 ईयर्स जो होम्स में लड़कियाँ रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जो मैंने भी फेस करी है और यहाँ पर और लड़कियाँ हैं वो भी फेस कर रही हैं। आफ्टर केयर के लिए हमारे पास कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे चीज़ मतलब एजुकेशन भी नहीं है उनका। अगर लड़की 10th में है और उसकी एज 18 हो गई है तो वो यहाँ से दूसरे होम शिफ्ट कर दी जाएगी एज़ पर लॉ, एज़ पर कानून। 10th पास करा, आफ्टर 18 वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th, उसको ना अच्छी जॉब मिल पाएगी और ना ही उसके पास रहने का प्लेस होता है। इंसेंस अगर इसी कैटेगरी में, 18+ में, कोई बच्चा ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं है या वो मिसिंग है, बचपन से ही होम में रहा है, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है, जहाँ की मैं जो मैं देख रही हूँ और मैं फेस भी कर रही हूँ, बच्चों से बात करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ वेलफेयर ऑफिसर हूँ और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ बच्चों की, तो मुझे फेस करने को ये मिलता है कि उनको करियर काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है। करियर काउंसलिंग में 17+ जैसी लड़की होती है उसको करियर काउंसलिंग देनी चाहिए, और आपको दूसरों के आगे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, किसी सेफ जगह पे आपको कैसे रहना है, आपकी जॉब कैसे आपको मिल सकेगी, कुछ भी उनके लिए बेनिफिटल नहीं है ऐसा कुछ भी, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। क्योंकि हम लोग किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, जैसे हमारे पास CWC है, उनका ये मानना होता है कि आफ्टर केयर होम बने हुए हैं वहाँ पर भेज दिए जाते हैं, वहाँ पर उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है आफ्टर केयर में, सिवाय वोकेशनल कोर्स के। वोकेशनल कोर्सेज तो हर जगह होते हैं यहाँ पर भी, पर जॉब नहीं है कहीं पर भी। मेरा मानना ये है कि अगर किसी बच्चे ने आफ्टर के किसी बच्चे ने अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करा है तो उसकी जॉब होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चा मिसिंग या ऑर्फन है तो उसके पास उस जॉब के थ्रू एक सेफ प्लेस भी मिल जाएगा रहने के लिए, एक अर्न भी वो करेगा और वो फैमिली से भी अटैच हो जाएगा।